नमस्कार, मैं हूँ सृजना फ्रॉम देवदीति फाउंडेशन और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नूतन जी जैसे मेरे साथ ही मेरे को नमस्कार कर रही है। थैंक यू नूतन जी। एंड टुडे वी हैव वंदना अग्रवाल विद अस। शी वाज देयर विद अस फॉर प्रीवियस वन मोर सेशन व्हिच वाज अगेन ऑन मेकिंग आर्ट एंड क्राफ्ट बोल्स, पेपर बोल्स विद न्यूज़पेपर की वो बना के राउंड ट्यूब्स आई वाज लुकिंग फॉर राइट ट्यूब्स बना के and then we made bowls out of it. So Devditi Foundation is doing a lot of such kind of work even during the lockdown. And humne aaj almost hamare 200 sessions complete kar liye hain. We are almost, today is our 199th session. So this happened, we started on 22nd of March 2020. And now we are on our 200th session. तो मैं बताना चाहूंगी देवदीति फाउंडेशन ने बहुत कुछ किया ड्यूरिंग लॉकडाउन और ट्राइड टू कीप आवर ऑडियंस एंगेज्ड बाय बाय हैविंग स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। बहुत हमारे स्पीकर्स थे। समबडी इज अनम्यूटेड, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो हमारे काफी सारे ऐसे स्पीकर्स थे जिनको हमने ऑडियंस को हमने काफी स्पीकर्स से इंट्रोड्यूस कराया ऑन डिफरेंट फील्ड्स। एंड इन दैट सेम स्ट्रीम वी हैव वंदना अग्रवाल टुडे सिंस होली इज नियरिंग। और लास्ट हमने सेशन किया था अबाउट हाउ टू मेक कांजी एंड गुंजिया ऑन होली। सो हमने सोचा हमने कांजी और गुंजिया तो बना ली है तो हम एक गुलाल का प्लेटर और गुलाल हर्बल गुलाल भी क्यों नहीं सीख लेते इनसे बनाना। तो वंदना से जब मेरी बात हुई हम सिखा देंगे, बताइए क्या कराना है तुम ये। तो आई टोल्ड हर, आई सेड वंदना को होली से रिलेटेड कराओ। तो उन्होंने अपना दिमाग विमाग जोड़ा और जोड़ के शी केम अप विद कि मैं ये प्लेटर बनाना, लीफ से प्लेटर बनाना सिखाती हूँ और वी कैन डिस्प्ले आवर गुलाल्स आल्सो। With this, I would also like to tell you one more thing that Devditi Foundation is doing is that every Tuesday we are doing Swadhyay from the Valmiki Ramayana. So anybody who's interested can message me personally. I'll send you the link. Every Saturday, Devditi Foundation is doing stories for children and the child within us. तो जो चाइल्ड विद इन अस है उसमें मैं और नूतन हर सैटरडे पहुंच जाते हैं वो स्टोरीज सुनने के लिए और हम लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं उन स्टोरीज को। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि और जो भी आना चाहे मोस्ट वेलकम, मैसेज मी और मैसेज एनी ऑफ द देवदीति पीपल एंड वी कैन शेयर द लिंक विद यू। एंड विद दैट आई वुड पास ऑन टू वंदना जी। वंदना, ओवर टू यू। आई विल जस्ट ओके। सबको हमारी तरफ से बहुत 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 नमस्ते। एंड लेट मी टेल यू, सृजना डिड टेल यू कि हाँ वंदना ने पहले वर्कशॉप करी, पर उसने ये असली बात नहीं बताई कि वो हमारी सबसे पहली ऑनलाइन वर्कशॉप थी। और आप लोग मानेंगे नहीं कि कितनी घबराहट हो रही थी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये चाहे सृजना से दुगने तिगने बड़े हैं लेकिन घबराहट उतनी ज्यादा हो रही थी कि सृजना की क्या बेइज्जती हो जाएगी कि वंदना को बुलाया है और पता नहीं निकल से फोन भी गिर गया था या कुछ कुछ गड़बड़ हुई थी। आई रिमेम्बर दैट आई वाज सो नर्वस कि ऑनलाइन पहला कर रहे हैं और आज देखिए मतलब देखते 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 दिस इज ऑलमोस्ट द 200th वर्कशॉप ऑफ देवदीति। पता नहीं चलता कि वक्त किस रफ्तार से आगे दौड़ रहा है। एंड अबाउट दिस वर्कशॉप, जब सृजना ने कहा कि जैसे वो कह रही है कि भाई होली की कोई चीज करिए, तो हम सोचे थे होली की क्या चीज हो सकती है कि जो होली से रिलेटेड भी हो लेकिन इंटरेस्टिंग भी हो और बिल्कुल यू नो बचकानी सी चीज नहीं हो। तो तब हमने ये सोचा कि अच्छा लेट्स यू नो, इस टाइम आजकल इतने फूल निकल रहे हैं, अगर आप मतलब कोई भी जरा सिर्फ नजर उठा के देखें तो कहीं पे गेंदा पहले खिल रहा था, कहीं पे यू नो नस्ट्रेशियम खिल रहा था, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। सो देन आई थॉट कि ओके, पत्तियां भी आजकल खूब बड़ी बड़ी हो रही है जगह जगह, तो लेट्स यूज दोज टू मेक समथिंग विच वी कैन यूज। As you can see, हमने इनको जो पत्तियों की प्लेटर बनाई है इसमें गुलाल रखा है, बट आप चाहे तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं, खाने की चीज भी रख सकते हैं बशर्ते वो गीली ना हो, क्योंकि सूखी खाने की आराम से रख सकते हैं। यू कैन वॉश इट ऑल्सो, यू कैन वाइप इट ड्राई, यू कैन डू एनीथिंग विद इट। एंड दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये कि बहुत ही आसान है बनाना, देखने में बहुत सुंदर लगती है एंड यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिविटी टू गिव इट एनी शेप व्हाटसोएवर। गुलाल हम लोग बाद में बनाएंगे, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए हमने इसमें डाला था, हम वापस कर दे रहे हैं।
गिरेगा ऐसे करके, तो अभी हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। आपको पहले बता देते हैं कि ये वाली जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है जामुन की है, राइट। जामुन का पेड़ हमारे घर के बिल्कुल समझ लीजिए बाहर ही है, तो वहां से हमने तोड़ी थी ये। तो जब हम लैटर बनाते हैं, इनफैक्ट उससे एक चीज पहले और आपको बता दें कि जो रंग जो होता है गुलाल सूखा वाला होता है और गीला रंग एक होता है, तो जब हम लोग रंग बाद में बनाएंगे तो दोनों चीज ध्यान में रखिएगा, अगर हम भूल भी जाएं बताना कि गीला और सूखा रंग दोनों उसी चीज से कैसे इत्मीनान से आराम से बन सकते हैं। सॉरी टू कम बैक, ये जामुन की पत्ती है और हम आपको यहाँ पे दिखाते भी हैं जामुन की पत्ती। ये देखिए, ये रही जामुन की पत्ती, ये इस वाली से थोड़ी छोटी है। तो जब भी लीफ की प्लेटर बनाते हैं तो उसमें क्या चीज ध्यान रखनी होती है कि पत्ती ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये वाली जो मिडरिफ होती है, जो मेन वेन होती है, ये खूब मोटी सी हो, राइट। जितनी मोटी ये वेन होगी ही उतना ही ज्यादा सुंदर आपकी पत्ती में उसका ऐसे ये दबाव आएगा, राइट। और जो डंडी होती है वो थोड़ी छोटी सी ही लेते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबी डंडी होगी वो टूट जाती है बाद में। दूसरी पत्ती जो हम ले सकते हैं वो ये तो आप सब पहचानते हैं, ये पीपल की है। देखिए इसमें भी जो मेन वेन है कितनी स्ट्रांग है, इवन द साइड वेन्स आर नाइस एंड स्ट्रांग। तो इसका जब बनेगा, देखिए जैसे ये वाला है, राइट, इसका जब बनेगा तो ये वाली भी स्ट्रांग आएगी और ये वाली भी स्ट्रांग आएगी वेन्स, राइट। ये है दूसरी जो पत्ती है, हम वो पत्तियां दिखा रहे हैं जो अमूमन बहुत आराम से मिल जाती है। ये वाली देखिए चंपा की, ये तो बहुत ही खूबसूरत बनती है और इसकी प्लेटर एकदम लंबी सी बनती है। ये अगर वक्त होगा ना कभी बाद में, तब हम लोग वर्कशॉप करेंगे कि इससे कैसे अगरबत्ती का स्टैंड बन जाता है इससे, राइट। अगेन द मेन थिंग, लुक एट दिस, दिस इज इवन स्ट्रॉन्गर देन द जामुन वन, राइट, एंड इवन द साइड वेन्स आर नाइस एंड क्लियर, राइट। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस ओनली फॉर द टाइम बीइंग आपको दिखाने के लिए, राइट। अच्छा, और जो ये शेप बन रही है इसकी गुलाई जो देनी है, राइट, वो अपने हाथ में होती है, क्योंकि जब हम क्ले से काम कर रहे हैं तो सूखने से पहले हम उसको जो शेप देना चाहें हम दे सकते हैं, चाहे अपने हाथ से दें, चाहे हम उसको किसी बोल में या किसी चीज में रख दें, तो वैसे ही वो उसी बोल का या उसी डंडे का या उसी चीज का शेप ले लेगा सूखते वक्त। ये हमने फ्लैट रखा है ऑलमोस्ट, ये हमने बोल में रख दिया था, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो चाहिए वो है एक पत्ता, जो कि हमने ये वाला लिया है, और दूसरा ये, दिस इज फेविक्रिल मोल्डिंग। आप में से कई लोग को याद होगा कि बहुत पहले एक एमसील करके चीज आती थी जो पाइप्स वगैरह में ना जोड़ने के लिए, उसमें लीक हो जाता था तो उसमें दोनों मिला के सीमेंट उसको जोड़ देते थे, उस पर लगा देते थे, वो हार्डन हो जाता था। दिस इज समथिंग सिमिलर टू दैट। ये फेविक्रिल कंपनी जो है अपनी इंडियन, उसी में मिलती है ये, और ये मेरे ख्याल से जहां तक हमें याद है 20-30 रुपए का ये ऐसे कुछ एक पैकेट होता है। I'll open it and show you the whole thing. I mean, lots of fevicryl packets come in a big box, right? But we need just a few at the moment. आप चाहे तो बड़ा बॉक्स ले लें, चाहे तो ना लें, ये देखिए, right? So you have a grey cement and a white cement. इन दोनों को मिला के जो सीमेंट या क्ले बनेगा, that is called air dried clay, air. हवा में जैसे ही उसको एक्सपोज करते हैं तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है, राइट। इट गिव्स यू अबाउट 10-15 मिनट, मे बी ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा काम करने के लिए, तब तक वो सॉफ्ट रहता है, फिर सूख जाता है। समर्स में थोड़ा, और पंखे में थोड़ा जल्दी सूखता है, ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक 2 पैकेट्स, जिससे कि वो जल्दी से हम बड़ा बोल बना सके थोड़ा, राइट। अब इसको करना क्या है, इनको आपको निकाल के मिलाना है, और ये काम आपको तभी करना है जब आप काम करने जा रहे हैं, मतलब ये मिलाने का काम आपको तभी करना है जब आप बना रहे हो इसको, आप बना के रख नहीं सकते। तो जैसे हमने बताया था, अगर आप इसको रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, राइट। तो देखिए, एक ये है और कोई हाथ में ये नुकसान नहीं पहुंचाता है कि जी ग्लव्स पहनने, ऐसी कोई नहीं करने, कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बच्चों के क्राफ्ट के लिए है, तो कंपनी ने इन सब चीजों का ध्यान जरूर दिया होगा। तो ये हम बता रहे हैं,
ये, राइट, ये दोनों है, राइट, इन दोनों को हमको मिलाना है। और कैसे मिलाना है, जैसे आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से मिलाना है, ऐसे करके। जब मिलाएंगे धीरे 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 करके, ये एक लाइट ग्रे कलर की बॉल बन जाएगी या डो बन जाएगा, आटा बन जाएगा। चाहे तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा पाउडर ले सकते हैं, जिससे कि आपके हाथ में ये चिपके नहीं। और कैसे पता चलता है कि ये हो गया पूरा, ये ऐसे कि ना आपको ये थोड़ा गर्म सा लगने लगेगा, ये गर्म सा लगने लगेगा तो ये तैयार। देखिए अभी दिख रहा है ना, अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो आप इसको मिलाते चले जाइए। ये हम मिला रहे हैं, दूसरा ये सारे जूसेस चारों पैकेट एक साथ करके भी मिला सकते थे, दो अलग अलग करके भी मिला सकते हैं। और मान लो आप छोटी चीज बना रहे हो, तो इन्हीं पैकेट्स में से आप आधा आधा पैकेट ले लें और फिर उसको ध्यान से बंद करके रख दें किसी प्लास्टिक में या जिपलॉक में, तो भी वो सूखता नहीं है। जैसे कि हमने कहा, जब तक अलग अलग रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी ये नहीं हुआ है, बिल्कुल एक सार सा रंग हो जाना चाहिए इसका। This is the only part which requires a little bit of मेहनत। अगर आप चाहें तो नीचे देखिए उस पर जमीन पे या काउंटर पे प्लास्टिक बिछा के या फिर थोड़ा सा पाउडर स्लैब पे डाल के उसको तब भी रगड़ भी सकते हैं, ऐसे करके अगर चाहे तो ऐसे करके भी बना सकते हैं। बट नॉर्मली इट्स ईजियर जस्ट ऐसे हाथ से करके बनाइए। ये देखिए एक सार सा होता चला जा रहा है, फिर इसको बेल के और हमें जो शेप चाहिए वो लिखे, लिखा है ना, ये एक सा रंग हो गया। ये इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगाने की जरूरत है, कभी भी पानी नहीं लगाना है। और हल्की सी गर्माहट भी महसूस होने लगती है तब पता चल जाता है कि हाँ ये क्लेयर हमारी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गई है। स्मूथ भी हो गई है, हाँ हमको हल्की सी गर्माहट भी हाथ में महसूस हो रही है। बस आई थिंक नाउ आई एम गोइंग टू यूज इट। ये जो किनारे किनारे फट रहे हैं ना, इससे हमको लग रहा है कि शायद अभी थोड़ा सा ये और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किनारे फट रहे हैं तो हमारी चीज साफ नहीं बनेगी। ये दूसरा, ये देखिए हमने ये उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको बोला था करने के लिए, तो ये दोनों हमने। जैसे लोई बनाते हैं आटे की, उस तरह का आटा, बस थोड़ा कड़ा वाला आटा, उस तरह की। देखिए अब देखिए इसमें शाइन सी भी आ गई है और इसमें अच्छे तरह से ये। अब इसको ये नहीं कि हम इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर आके काम करें, नहीं, अब आप कुछ भी करिएगा ये 15-20 मिनट में हार्डन हो ही जाएगा, राइट। तो ये वाला जैसे हमने लिया है, ये हमारा काफी मोटा है, अभी हमको बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ में इसकी गर्माहट फील हो रही है, सो आई एम क्वाइट श्योर दैट ये हमारा रेडी हो गया है। ये पत्ती छोटी है, अगर हम बड़ी पत्ती ले लें, क्योंकि हम हमारी काफी क्लियर हो गई है तो वेस्ट हो जाएगी, तो हम इस पत्ती से बना देते हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ हमने बनना, ये कितने पैकेट है आपके जो आपने अभी ले रखे हैं, इसके क्या बोल पूछा, इसलिए के कितने पैकेट हैं जो आपने लिए? हमने दो लिए ना, दो दिखाए थे, दो दिखाए थे, दो लिए। देखो इसमें लिखा है 20 रुपए का है, तो दो पैकेट लिए हैं हमने, दो पैकेट, ठीक है। ये वाला जो है ये एक पैकेट का भी बन जाता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा प्लेटर बनता, बिल्कुल नन्ना सा, राइट। तो ये वाले तो बने हुए हैं, हम आपको लंबा दिखाते हैं कि लंबा वाला कैसे बनता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अच्छा, अब ये हमने गोल से इसको लंबा क्यों किया, वेरी सिंपल, क्योंकि हमारी लीफ की शेप, चाहे हम ये वाली लेनी चाहे, चाहे हम ये वाली लेनी चाहे, लंबी है तो बेलने में आसान रहेगा अगर हम पहले लंबा ले ले और फिर उसकी चौड़ाई में उसको निकाल ले। देखो ये है ना, यू ये आइडिया है हमारा, इसलिए हम इसको थोड़ा लंबा बेल ले रहे हैं। ओ लंबा
लोई को लंबा कर लेते हैं, ये हमने लोई को लंबा कर लिया जितनी बड़ी होती है। अब हम क्या करेंगे, प्लास्टिक के बीच में रख के, प्लास्टिक के बीच में रख के इसको हम बेलेंगे, क्यों, जिससे कि हम इजीली इसको उठा सके। एंड प्लास्टिक कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी, ये हमने तो जो फूलों में आते हैं ना वो वाला प्लास्टिक, वो सेलोफेन ले लिया है, कुछ भी ले लीजिए। और ये क्यों लिया है, हम पाउडर क्यों ले रहे हैं, जिससे कि ये चिपके नहीं। हम पहले भी कह रहे थे कहीं पे भी करिए, आप चाहे सीमेंट पे करिए, किचन के स्लैब पे करिए, चाहे प्लास्टिक, ये जैसे प्लास्टिक पे करिए, बट पुट अ लिटिल बिट ऑफ पाउडर, इट्स ऑलवेज इजियर। अब हमने इसको थोड़ा सा ऐसे दबा दिया, राइट, ऐसे दबा दिया। अब हम इसको बेल लेंगे, और बेलेंगे किससे, बेलन से बेल लेंगे। अब हम यहाँ बैठे हैं तो हमें उनको लग रहा है खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये बिलेगा नहीं, हमसे टेबल भी हिलने लगेगी। एनीवे आपको आइडिया लगा दिख जाता है, हो सकता है बहुत सफाई से ना बिले बिकॉज ये टेबल ही हिलने लग रही है, बट नेवरदेस आई होप यू कैन सी, दिख रहा होगा नीचे से ना, हाँ, तब आपको और साफ दिखाई देने लगेगा। आपको चिंता नहीं करनी है कि शेप हमारी बिगड़ रही है कुछ, मतलब बिल्कुल रोटी जैसे गोल या ये नहीं हो रही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द शेप ऑफ द लीफ, राइट, उससे थोड़ी चौड़ी हो जाए तो ठीक है, उससे पतली होगी तो थोड़ी दिक्कत होगी, राइट, ये होगी, राइट, बिल्कुल। और इसमें अगेन जो आपकी पत्ती है, जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से, सी अमूमन साइज ठीक ही हो गया है, राइट, तो ये हो गया हमारी, यहां से शुरू होगी यहां तक इसकी डंडी आ जाएगी। अगर आपको प्लेटर थोड़ी मोटी बनानी है तो आप दो से ज्यादा ले लीजिए इसमें, ये देखिए कितनी सहूलियत से ये निकल रहा है, निकल रहा है ना। अच्छा, अगर हम और कोई चीज बना रहे होते तो हमको ये लाइनें वगैरह नहीं चाहिए होती, राइट, पत्ती में तो जितने वेन्स लाइन होते अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो इसको स्मूदन आउट कर सकते हैं ऐसे, जरा सा पाउडर लेके, पाउडर लेके ऐसे करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स हर चीज आप ऐसे करके स्मूद आउट कर सकते हैं। पत्ती के लिए हम नहीं करते हैं क्योंकि पत्ती में तो थोड़ा मुस्सा तुस्सा सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे ये है, अगर हम चाहें तो हम सिर्फ यही शेप रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम ये वाली शेप काटें इसमें से, राइट, अगर हम चाहें तो ये भी पत्ती की बहुत अच्छी शेप है, बट आपको दिखाने के लिए हम बता रहे हैं कि ऐसे उल्टी तरफ से, क्योंकि हमको ये चाहिए अपने लिए तो ऐसे करके रखेंगे, राइट, और इसको हल्के हाथ से दबा देंगे। अभी हमने पाउडर नहीं डाला है बीच में, जरूरत नहीं है ये। अच्छा, अब हम इसको बहुत ही हल्के हाथ से इस पे हल्का सा बेलन इसलिए चला रहे हैं कि जिससे कि जो वेन्स है वो उसमें और थोड़ी सी धस जाए। ज्यादा जोर से नहीं चलाएंगे क्योंकि नहीं तो पता चलेगा कि वो बिल्कुल ही डी शेप हो गई या उसमें बहुत ही अंदर ही चली जाएगी, राइट, ये ना चलाए हाथ से भी चलाए तो काम चल जाएगा, ये हो गया। अच्छा, अब क्या है, ये वाला जो हमारा शेप है बाहर का, उसको हम चाहे चाकू से, चाहे ये पेपर कटर से, पेपर नाइफ से, जो भी चीज आपके पास सहूलियत से है उससे लेके आप काट सकते हैं, राइट, ये बहुत आराम से करते हैं, चाहे ऐसे एंगल पे रखिए, चाहे इसको ऐसे, एंड डोंट वरी कि ये बिल्कुल ही हमको फॉलो करना है, ये कोई यू नो इम्तहान नहीं है कि बिल्कुल यही वाला शेप एग्जैक्ट आना चाहिए, मोटा मोटा ये शेप आ जाए बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांट। पत्ती सॉरी डंडी को बहुत ज्यादा बारीक मत रखिएगा नहीं तो वो टूट जाएगी। एक्चुअली नहीं तो अगर टूट भी जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज आपका बोल बन जाए। देखिए जैसे इधर है
इधर हमको यही वाली शेप ठीक लग रही है, तो हमने कहा पत्ती के पास हम क्यों जाए, हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको और इसको छोटा। ये सारा हमारे लिए वेस्ट है, राइट, वेस्ट है, लेकिन पत्ती के बोल के लिए वेस्ट है, बट अदरवाइज सब काम का है। तो आफ्टर मेकिंग द बोल क्विकली वी विल मेक समथिंग एल्स विद दिस, क्योंकि अभी जान है, अभी मैलेबिलिटी है, तो हम कुछ इससे बना सकते हैं, तो बहुत सारा है, राइट, ओके। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है इसको हम उठा, अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया यहीं पे जहां रखा है यहीं पे छोड़ दिया, तो ये ऐसे बिल्कुल फ्लैट सूख के एकदम फ्लैट फ्लैटा बन जाएगा। हम इसमें थोड़ी सी गोलाई देना चाहते हैं, तो इसको हमें क्या करना है, अगर देखिए ये हमने पहले बनाया हुआ था, हमने ये अभी सुबह बनाया था, इसको लेके हमने उठा के इस पे पानी से भरी बॉटल पे रख दिया, क्योंकि अगर खाली बॉटल होती है तो ढुलकती रहती है इधर उधर, इसमें पानी भरा हुआ है, इस तरह से हमने सुखा लिया था, राइट। तो यही चीज हम करने वाले हैं, दूसरी बॉटल पे इसको रख के दिखा रहे हैं आपको, ये है। अच्छा, और दूसरी एक चीज और है, ये जो हमारा कटा कटा है इसको अगर हम साफ करना चाहें तो या तो ब्रश से या उंगली को हल्का सा गीला करके ऐसे करके हम चला देंगे, या ब्रश से कर देंगे तो ये साफ हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये चाहे उठाने के बाद करिए, अभी में ये रहता है कि ये अभी पत्ती लेती हुई है तो ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, जब आप बॉटल पे कर देंगे तो थोड़ी नाजुक हो जाएगी, तो कई बार डर लगता है करने में कि कहीं वो टूट ना जाए। इस टाइम आप इसको हल्का सा दबा भी सकते हैं, गीली नहीं करनी है, सिर्फ किनारे से करना है, और नहीं करना चाहे तो ना भी करें, क्योंकि कटी पटी भी होगी तो भी पत्ती तो नेचुरली भी कटी भी होती है, राइट, दैट्स इट, ये हो गई। अब हम इसको, क्योंकि नीचे पाउडर था हमारे इस पे, तो बहुत आराम से ये ऐसे करके देखिए उठ जाए, ये इस टाइम जैसे हम कह रहे थे अभी थोड़ी नाजुक है, इतनी भी नाजुक नहीं है कि ये टूट फूट जाएगी, लेकिन इतनी नाजुक है कि ये शेप ले लेगी। देखिए ये ऑर्डिनरी कांच की बोतल है, अगर आप चाहें इस पे भी हल्का सा पाउडर लगा सकते हैं, हालांकि कांच है तो कहीं जाना नहीं है उसको, मतलब चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखिए अगर हम यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे ये लिखा हुआ है कुछ, तो ये पूरी पत्ती पे हमारे यही इम्प्रेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी वो सॉफ्ट है। और इसको लेके छोड़, दबाना नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए यहां से ये ढलक गया है नीचे, तो ये जब बाद में होगा तो इसकी तरह से, ये देखिए ये जैसे इसकी तरह से ना थोड़ा ऊपर को आ जाएगा, राइट, जो शेप आप देना चाहे उस तरह से। अगर आपको नहीं है कि ये नहीं ढलकना चाहिए, तो इसके नीचे कुछ जरा सा यू नो न्यूज़पेपर का गोला या कुछ भी बना के रख देंगे तो ढलकेगा नहीं, राइट, ये। अच्छा, दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं कि जब ये सेमी सूख जाए, 10-15 मिनट में भी जब तक सेशन होएगा उसमें ये काफी सूख जाएगी, तो आप चाहे तो इसको कोई दूसरा शेप भी दे सकते हैं, यूं मोड़ देंगे कुछ भी, चाहे यूं करके देखें यूं मोड़ देंगे कुछ भी दे सकते हैं, इस टाइम आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन वो टिकेगा नहीं। थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद आई थिंक अमूमन देखेंगे तो वो शेप ज्यादा टिक जाएगा, राइट, ये हमारी डंडी है, ये हम कह रहे थे अगर किनारा इसको देखिए, हाँ ये हम दिखा रहे हैं, अगर ऐसे करके रखेंगे डिफरेंट शेप आ जाएगा, सो व्हाटएवर यू लाइक, इट इज अप टू यू टू लीव इट लाइक, राइट, आई एम जस्ट लीविंग इट लाइक दैट। आज तो ये नहीं दिखा पाएंगे, हम इसकी फोटो सजना को भेज देंगे कि इसकी क्या शेप आई है, राइट। नाउ दिस हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ड्राई, मे बी एक घंटे में तो पक्का हो ही जाना चाहिए, बिकॉज अगेन इट डिपेंड्स कि आपने इसको फैन के नीचे रखा है, गर्मी है सर्दी है, टेम्परेचर से ही इस पे फर्क पड़ता है, राइट, बट आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे तो ये सूख जाएगा। अब इसको हम हटा रहे हैं और आपको दिखाते हैं हमने जो आज सवेरे बनाया था यही क्लास की तैयारी में। अब पहले एक्चुअली इससे भी कुछ बना के दिखा देते हैं, क्योंकि एक ये देखिए ये क्रैक अगर होने लगा है तो इसका मतलब ये इसकी मैलिएबिलिटी कम होती जा रही है, देखिए
अभी फेयर है। ये बहुत ही वर्सेटाइल क्ले है, कोई भी चीज आप इससे बना सकते हैं। ये जैसे ये गोल है, इसको आप कोई भी प्याली लेके, स्टील की प्याली, कांच की प्याली लेके उसके नीचे लगा देंगे तो हम आपको दिखाते हैं उसकी कितनी सुंदर प्याली बन जाती है। इस बार हमने थोड़ा सा इसको मोटा छोड़ा है क्योंकि हमको लग रहा है कि इसकी मैलेबिलिटी कम होती जा रही है, तो हम इसको थोड़ा मोटा छोड़ रहे हैं। और इसको आपको दिखाते हैं कि ये ऐसी कटोरी है, ये देखिए ये कटोरी है, इस कटोरी पे हम थोड़ा सा ऐसे लगा के ये देखिए इसके ऐसे ऐसे, क्योंकि थोड़ा गोला बाहर का बड़ा है इसके बेस से ज्यादा, तो ये इसी शेप का, बिल्कुल इसी शेप का इसमें बन जाएगा जब सूखेगा तो फ्लैट और साइज खड़ी। और यही चीज अगर हम अंदर रखेंगे, अगर हम अंदर रखेंगे तो भी हमारा बोल बन जाएगा। हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये उठा के देखिए। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, ये जो हाथ के निशान है, फिंगर्स के, नेल्स के, ये सब अगर नहीं चाहिए तो इनको पाउडर से खत्म कर देना ऐसे करके, राइट। ये ऐसे करके यूं करके कर सकते हैं, या बोल, ये कांच का बोल जो है, इस अगर बोल में, ये देखिए इस बोल में अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें, राइट, तो ये हमारा बिल्कुल बहुत ही स्लाइट, वेरी वेरी स्लाइट राइज के साथ आ जाएगा। जो काला वाला हमारा बोल था, That is exactly done like this, कि ये वाली पत्ती जो है पीपल की पत्ती का हमने बना लिया था, हमने चौंची वाली ये नहीं ली थी because this is very delicate, ये हमने नहीं लिया था अपने क्ले में, ये शेप लेके उसको हमने यू करके रख लिया था, right? So can you see कि जगह जगह पे वो उसमें सलवटें आ गई थी, ये जो सलवटें आ गई थी यही है वो सलवटें, उसी से इसकी सुंदरता आई है। एंड दिस इज रियली हार्ड, अब जमीन पे हम फेंक के मारेंगे तो यस टूट जाएगा, बट अदरवाइज ये नहीं टूटेगा। ऐसे हल्के हल्का फुल्का किसी के हाथ से ठेस लगे तो ये नहीं टूटेगा, ये हम इसी पे करके आपको। और आपको कंफर्टेबल होना है तो इस पे पॉलिथीन लगा के पहले और फिर ये लगाइए, तब तो बहुत ही आराम से उतर जाता है। इस तरह से ये हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत करेगा उतारने में, लेकिन बहुत जरा सा, इतनी ही इसकी विड्थ है तो ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उतर जाए। ये देखिए यहाँ पे ये हाथ के हमारे आ रही है ना, और अगर आप डिलिबरेटली चाहते हैं डिजाइन देना तो आप किसी चीज से भी इस पे डिजाइन बना सकते हैं, वो ही इंप्रेशन रह जाएगा। ओके, सो नाउ दिस इज डन द शेपिंग, राइट। सो वेरी सिंपल, आई एम जस्ट गोइंग टू रीकैप इट कि दोनों जो आपके पास सीमेंट के पीसेस होते हैं इसमें मोल्डेड के, उन दोनों को निकाल के जितना आपको चाहिए, जितना मतलब 2-3 पैकेज जितने भी आपको चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा आपको, कितनी बड़ी लीफ बनानी है, उनको दोनों को मसल मसल के आटे की तरह गूंद गूंद के आपको मिक्स करना है। जब आपको हाथ में थोड़ी सी वॉर्म, हथेली पे हल्की सी वॉर्म आने लगे तो पता चल जाएगा कि यस अब ये हमारा क्ले तैयार हो रहा है। एंड एनीवे देखने में भी बिल्कुल उसमें चिकनापन आ जाएगा, एकदम स्मूथनेस आ जाएगी। बस फिर उसको प्लास्टिक के बीच में रख के पाउडर लगा के, पाउडर इसलिए लगाना है कि चिपके नहीं, प्लास्टिक इसलिए रखना है जिससे कि वो बहुत आराम से उठ जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने से टेबल पे या इस पे हमने सिर्फ पाउडर लगा के उसको बेला होता तो बेलने में चिपकता नहीं, लेकिन हम उठाते कैसे उसको, उठाने में हम ऐसे ऐसे करके उसको लिफ्ट करते तो हो सकता है वो टूट जाए। प्लास्टिक होता है तो बिल्कुल जैसे कि हम लोग मक्की की रोटी या कुछ भी बनाते, इट्स वेरी इजी टू लिफ्ट इट वंस देयर इज अ प्लास्टिक बीइंग, राइट। एंड फिर जिस शेप का जो भी आकार हमको देना है, चाहे बोल के अंदर, चाहे बोल के बाहर, चाहे बॉटल के ऊपर, हमने तो सिर्फ 2-3 आइडियाज दिए, देयर कैन बी मिलियंस ऑफ वेज दैट यू वुड वांट टू पुट इट। हाथ से भी प्लीट करके उसको अलग अलग शेप दिए जा सकते हैं। ओके, देन यू हैव टू लीव इट टू ड्राई। हमने इस बॉटल पे ये जामुन की पट्टी को छोड़ दिया था, राइट, इसी शेप में बस ऐसी, और ये हमने बनाया था मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास बनाया था, और विद इन एन आवर और 1.5 वो सूख गया था। अच्छा, इसमें हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे 2 चीजें। एक, हमने इसमें सिर्फ एक ही पैकेट लिया था, एक ही पैकेट मतलब
ये just one packet, right? So with both the pieces together, I'm calling it one packet, right? So this is thinner. The layer is thinner. So usme kya hota hai? It looks more delicate, but again, thicker is sturdier. So jo aapki marzi ho uske hisab se. हमने जो क्योंकि क्ले कम थी तो हमारा पूरा नहीं बिल पाया था तो यहाँ ये थोड़ा सा छूट गया था राइट बट देन इट्स अ लीफ सो इट रियली डजंट मैटर व्हाट शेप और जिस तरह से देखिए सूखा था ये वैसे ही रह गया है अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया है जरा सा भी खिसकाएंगे ऐसे करके अपने आप ये तो खैर हमने ट्राई किया था तो निकला वही है लेकिन जरा सा खिसकाएंगे तो निकल जाएगा ये देखिए ये बिल्कुल उस शेप का अब हो गया है आपको आवाज सुनाते हो If you hear the voice, you know. अब हम इस पे नाखून से कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होने वाला है राइट अब हमको आहिस्ता से ये तो वैसे ही आराम से निकल रहा है थोड़ा थोड़ा चिपका रहता है ये प्लैटर निकल गया कैन यू सी दैट ये प्लैटर ये शेक का क्योंकि हमने इसी बॉटल के शेप में इसको रखा था और ये देखिए जहां किनारे पे कम था ये वही शेप लिया उसने तो ये लगता है जैसे कि पत्ती यहां से कटी हुई थी राइट सो इट्स टेकन दैट शेप नेचुरली और यहाँ पे हमने अगर इसको सफाई से साफ नहीं किया है तो ये ऐसे रफ फीलिंग देता है इसको अगर आप चाहें तो आप रेगमार से राइट रेगमार से इसको हल्का सा घिस सकते हैं रेगमार को क्या कहते हैं सैंड पेपर से लेके जीरो वाला बिल्कुल जिसके जो ग्रेन्स होते हैं सबसे छोटे होते हैं उससे डेलिकेटली जेंटली आप इसको रब करेंगे तो ये आपका स्मूदन हो जाएगा और अगर आपने पहले ही हाथ से कर दिया तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज द टिप वो जिस शेप में आपने घुमाई होगी उस शेप में ये आ जाए राइट सो दिस इज द मेन थिंग नाउ टू पेंट इट पेंट करने के लिए अगेन दो तरीके हैं या तो आप इसको बिल्कुल नेचुरल बनाने की कोशिश करिए या आप इसको टोटली अपने हिसाब से बिल्कुल मॉडर्न पॉप आर्ट की तरह बना सकते हैं यू कैन मेक अ पिंक लीफ यू कैन मेक अ टर्कोइज लीफ यू कैन मेक अ गोल्डन लीफ जो आपकी मर्जी जो श्रद्धा उसके हिसाब से बना सकते हैं अच्छा करना क्या है पेंट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज टेक एक्रिलिक कलर्स राइट दीज आर एक्रिलिक कलर्स आई थिंक 20-25 रुपए की कितने की भी जितने की भी बॉटल आती है एक्रिलिक कलर्स होते हैं दीज आर सेमी लिक्विड तो इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं होती है अगर आपके पास पहले के रखे हुए सूख गए हैं देन यस दो चार छह बूंद डाल के इसको ऊपर उल्टा करके रख दीजिए तो भी ये थोड़े से डिजॉल्व हो जाते हैं राइट सो नाउ आई एम गोना शो यू हाउ टू डू इट डू दिस अगेन दिस इज नो सेट रूल देयर इज नो सेट रूल की ऐसे ही पत्ती होती है आप नेचर में जाके बैठ के देखिए जो आपको दिखाई दे उस तरीके से भी बना सकते हैं ओके नाउ इसमें क्या किया है हमने इसमें हमने दो कलर का लिया है तो पहले हमने ग्रीन कर दिया है लीफ ग्रीन सैप ग्रीन नीचे कर दिया है उसके ऊपर येलो को थोड़ा सा पनीला करके उसके ऊपर हमने करा है बट आई वेटेड फॉर द ग्रीन टू ड्राई राइट एंड देन डन द येलो एंड सिंस द येलो वॉज वॉटरी कहीं पे वो ज्यादा आया है कहीं पे वो कम आया है इसी तरह लाल ये वॉटरी था तो ये थोड़ा सा फैल फैल के आया है तो इट गिव्स अ वेरी रियलिस्टिक इफेक्ट पीछे देखिए पीछे हमने उसको ड्राई ब्रशिंग किया है ड्राई ब्रशिंग का क्या मतलब होता है कि ब्रश में हल्का सा पेंट लेके और उसको मतलब ब्रश में पानी नहीं लगाना है सिर्फ पेंट लेके उसको हल्के हाथ से ऐसे करना है तो कहीं कहीं पे उसका रंग लग जाता है राइट सो दिस इज व्हाट इट इज एंड यू कैन सी दैट ये स्मूथनेस हमने जान के नहीं दी है लीफ में सो दैट इट गिव्स अ वेरी नेचुरल इफेक्ट ओके सो नाउ आई विल शो यू आई जस्ट पेंट अ लिटिल बिट एंड शो यू ये ये क्योंकि उल्टी रखी हुई थी शीशी तो ये ऐसे है हम सिर्फ आपको टॉप हाफ में दिखाएंगे अगर आपके पास फ्लैट ब्रश है तो इट मेक्स लाइफ अ लिटिल इजी अदरवाइज इट डजंट मैटर अगर ब्रश नहीं भी है तो आई एम श्योर उंगली से भी कर सकते हैं इट्स जस्ट दैट आपके नाखून काफी खराब हो गए बट इट्स ओके अच्छा ये इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो अंदर इसकी जो मोटी वेन है उसमें जरूर से घुसा के डालना है बिल्कुल एकदम कहीं पे भी सफेद ना रह जाए कई लोग ये भी करते हैं कि पहले एक बेस कोट व्हाइट की दे लेते हैं व्हाइट एक्रेलिक की वो इसलिए करते हैं कि जिससे जो कलर आप ऊपर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसा ही आए जैसा कि आप चाहते हैं
बट ये तो हम लीफ कर रहे हैं कि जिसमें हमको ये नहीं है कि ग्रीन का यही शेड आना चाहिए. अच्छा, किनारे करने बहुत जरूरी है, किनारे नहीं करेंगे तो वो सफेद रह जाएंगे. ये अच्छा, अगर मान लो हमने ये किया और यहाँ पे हमारा ये सूख गया, तो दूसरा शेड, दूसरा जो नीचे अगर लगा रहे होंगे, एक आध पानी की बूंद लेके यूं करके मर्ज करेंगे तो वो हो जाएगा, राइट. एक्रिलिक में ये खूबी होती है कि यस, थोड़ा सूखता तो है लेकिन इतना नहीं सूखता है कि आप उसको मर्ज नहीं कर सकते. पानी ले लीजिए या दोबारा पेंट में एक बूंद पानी लगा के कर सकते, ये हो गया. अगर आप चाहें इसको सेकेंड कोट कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका एक कोट हो गया. हम अभी के लिए आपको थोड़ा सा दूसरा भी करके दिखा सकते हैं. अगर आप गीले में पेंट करेंगे दूसरा, उसकी अलग लुक आएगी. एकदम ड्राई करने के बाद करेंगे, अलग लुक आएगी. I'm just wiping my brush clean and then I'm going to take a little bit of yellow. I've taken a little bit of water in my brush as well as yellow. I want very little bit of yellow. ये भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है. देखिए जब सूख जाता है तब हम करते हैं, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं. ये देखिए, can you see? It started to give a shadowy, sorry, a shaded look. और सूख जाएगा तो इतना मर्ज नहीं होगा, तब ये ऐसे ऊपर ऊपर को चलेगा. Right? So that is what it is, right? इसी तरह से ग्रीन के ऊपर रेड करेंगे तो अलग लुक आएगी, रेड के ऊपर ग्रीन करेंगे तो बिल्कुल एकदम अलग लुक आएगी, right? अच्छा, अब हम आपको ब्लैक वाले का भी बता देते हैं. ब्लैक में हमने क्या किया है, पहले हमने पूरी लीफ को ब्लैक पेंट कर दिया है और उसके बाद गोल्डन कलर से हमने यही ड्राई ब्रशिंग करी है. अच्छा, गोल्डन कलर जो होता है वो दो तरीके से मिलता है. एक होता है लिक्विड, ये ना जैसे पर्ल कलर वगैरह होता है वो लिक्विड फॉर्म में आता है, और दूसरा होता है ये ऐसे पाउडर फॉर्म में, राइट. ये पाउडर फॉर्म में है, तो ये पाउडर फॉर्म में है तो जब ये सूख जाएगा, ऑलमोस्ट सूख जाएगा, तो आप उस पर हल्का सा ब्रश चलाएंगे ये लेके, या हाथ से भी करेंगे तो वो चिपक जाएगा. अभी इस टाइम गीला है तो हम लगा देखिए, अगर हम यहाँ किनारे पे लगाएंगे तो हमारा ये इसी तरह से, can you see that? It'll give a lovely golden feeling. ऐसे gold भी आता है, bronze भी आता है, silver भी आता है. You can do that. And metallic colors बहुत सारे आते हैं, लाल, नीले, पीले. So if you want to give a metallic look, then you can do that. Right? So ये हुआ हमारा platter. And I'm repeating myself कि platter आप चाहे सजाने के काम ले सकते हैं, इसमें आप यू नो की रिंग्स और टू रिंग्स एंड इयर रिंग्स वगैरह चीजें रख सकते हैं, इसमें खाने की चीज रख सकते हैं, ड्राई यू नो वेफर्स वगैरह कुछ भी चीज ड्राई रख सकते हैं. और हमने आज तो इसलिए बनाए थे कि हम इसमें होली पे गुलाल रखेंगे, तो वो आपको जैसे अब हम गुलाल की तरफ बढ़ते हैं. पहले प्लेटर में गुलाल रख के दिखा देते हैं आपको कि हमने जो शेप ली है उसमें ये कितना खूबसूरत लगता है. शेप और कलर यही सोच के लिया हुआ है. देखिए ये है, इसमें ऐसे जैसे ये ग्रीन और येलो लिया है तो इसमें ये पीला वाला है. अब आप गुलाल को भी खूबसूरती से डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं, और चाहे हमें ध्यान नहीं रहा नहीं तो हम लेके रखते हैं यहाँ पे एक गेंदे का फूल इसके साथ रख सकते हैं, बिकॉज इट मैचेस दैट. एंड यहाँ पे ये गुलाब, तो बहुत सुंदर लगता है ऐसे रखने में, तो इसलिए ये हमारी हो गई प्लेटर. अब ये गुलाल कैसे बनाना है, सो लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट. एनी क्वेश्चंस अबाउट द प्लेटर, बिकॉज़ देन वी विल मूव ऑन टू द गुलाल पार्ट ऑफ इट. सजना, डू यू वांट टू आस्क पीपल इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्लेटर? इफ एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन दे कैन अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन, और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. नूतन जी, मेरे को ये पूछना है कि हम लोग ये क्ले से भी बना सकते हैं ना, जो मार्बल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. और क्ले देखिए, जो बाजार वाली मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी, उससे भी बना सकते हैं. चिकनी मिट्टी बस ये होता है कि वो इतनी आराम से मिलती नहीं है, ये तो स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाता है, राइट. तो बहुत आसान होता है, चिकनी मिट्टी से भी बना सकते हैं. लेकिन चिकनी मिट्टी से काम करने का मतलब है आपको आना चाहिए पॉटरी बनाना, राइट. हाँ, नहीं आता है, हमने इतनी बड़ी लीव ला के रखी हुई थी
इसका तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा, बहुत खूबसूरत बनेगा। और ये अब इतनी जल्दी सूखेगी नहीं, आप फटाफट स्टेशनरी शॉप से कम तीन, मतलब वो ये 20 रुपए के आते हैं, तो आप थोड़े ज्यादा ही ले लीजिएगा, जिससे कि आप बड़ी ये लीफ बना सके। बहुत खूब, बट याद रखिएगा कि उल्टी तरफ से बनाइएगा, राइट, उसके देखिए राइट। ये आप अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारे वो आते हैं, वीडियोस आते हैं कि घर पे क्ले कैसे बना सकें, वो कॉर्नफ्लावर से बनती है और पेपर मैशे की भी बना सकते हैं, ये चीजें बहुत तरीके से बन सकती है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट, एंड मोर देन दैट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो, राइट। कि अगर मान लीजिए आपने बनाया, अगर 4 दिन बाद गिर के, ये नहीं होगा कि धार धार आंसू रोने पड़ेंगे कि जी हमने इतनी मेहनत करी और ये खराब हो गया हमारी चीज, ठीक है। अच्छा, अब हम ये तो जो गुलाल है, जो हम कह रहे थे जैसे कि होली के रंग दो तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक होते हैं सूखे जिनको हम गुलाल कहते हैं, और एक होते हैं गीले जो हम पिचकारी में इस्तेमाल करते हैं, या पहले जब तक बैन नहीं था तब तक गुब्बारों में भर भर के एक दूसरे को तंग करते थे, अब तो वो बैन हो गया है। तो जो चीज हम सूखे में कर रहे हैं वही चीज हम गीले में भी कर सकते हैं, राइट। नाउ इसका बेस क्या, देखिए आइडियली क्या होता है कि जो हमारा गुलाल हो वो दरदरा नहीं हो, दरदरा मतलब कि उसमें ग्रैन्यूल्स ना फील हो, फॉर द सिंपल रीजन दैट गुलाल इज गोइंग टू बी यूज्ड ऑन द स्किन, एस्पेशली ऑन द स्किन ऑफ द फेस। तो आप ये नहीं चाहते कि किसी की स्किन पे भी रैश हो जाए या किसी को चोट पहुंचे, राइट। तो बिल्कुल हमारा फाइन होना चाहिए गुलाल, तो उसके लिए हम या तो अरारोट पाउडर यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये क्या बोलते हैं इसको, कॉर्नफ्ला या कॉर्नस्टार्च। और ये कहाँ मिलता है हमारे पास, तो हमारे घर के पास ही चक्की है, चक्की पे मिल जाता है कॉर्नफ्लावर, अरारोट तो वैसे मिल ही जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ भी नहीं हो तो यू कैन यूज दिस कॉर्नफ्लावर जो पैकेट में आता है, बट दिस इज एडेबल फूड ग्रेड, सो दिस इज मच मच मोर एक्सपेंसिव, राइट, बट यू कैन यूज दिस, इज द सेम थिंग। आप चाहे तो मैदा भी यूज कर सकते हैं, बट वॉट आई रियलाइज इट दैट मैदा इज अ लिटिल मोर ग्रेनी देन कॉर्नफ्लावर देन अरारोट, जो भी हम लोग अरारोट बोलते हैं घर पे जैसे, राइट। उसकी जगह हम लोग बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, बेसन भी कर सकते हैं। सो ये बेस हुआ, आई एम रिपीटिंग, मैदा इज आई मीन लोअर डाउन इन द ऑन द लैडर, उसके ऊपर हुआ आपका कॉर्नफ्लावर और अरारोट, राइट, एंड बीच में समवेयर इज बेसन। बेसन एक्चुअली ज्यादातर सिर्फ हल्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी गॉट अ येलो टिंज, तो उसमें हम हल्दी डालते हैं तो इट बिकम्स अ नाइसर येलो। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि हम कौन से रंग बहुत आसानी से बना सकते हैं। नाउ इफ वी गो टू ऑर्गेनिक कलर्स, तो बतेरे फूलों से आप बहुत रंग बना सकते हैं, यू नो गुड़हल से अलग बना सकते हैं, और अमरूद मतलब अलग अलग पत्तों से अलग ऑर्गेनिक कलर्स बना सकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट द सिंपलर वंस। घर में हल्दी बहुत आसानी से होती है, मेहंदी, रेगुलर मेहंदी जो इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए, मेहंदी हाथों पे लगाने के लिए मेहंदी सूखी बहुत आराम से मिलती है, और ये जो है ये चुकंदर से बना हुआ है, आप और उससे भी बना सकते हैं पालक के पत्तों से, राइट। तो जो चीज ड्राई अवेलेबल है उसको हम ड्राई मिक्स कर देंगे, जो चीज ड्राई नहीं है जैसे चुकंदर है तो उसको हम घिस रंग निचोड़ के रंग उसमें डालेंगे। अब आप सूखी चीज में अगर गीला रंग डालेंगे तो जाहिर है कि वो लिचबिजा लिचबिजा सा गिरो तो वो हो जाएगा, तो आपको कम से कम लिक्विड देना है और फिर उसको सुखा देना है। जब वो लिक्विड सूख, मतलब जब आपका वो फेस सूख जाएगा तब आप उसको हाथ से ऐसे तोड़ के सुखा के देन आप उसको छान लेंगे, राइट। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ, काफी लेक्चर बाजी हो गई है। तो ये रहा हमारा बेसन, अभी हमने इसको छाना वाना कुछ भी नहीं है, ये ले रहे हैं हम थोड़ा सा बेसन, कितना डालना है देयर इज नो प्रोपोर्शन टू थिंग्स, आपको जो रंग ठीक लगे। हमने तो ये घर की खाने वाली हल्दी ही आप देख रहे हैं कि हमने अपने उसमें से डिब्बे में से निकाल के मसालेदार में से ले लिए हाथ से, अब हम कोई ग्लव्स व्लव्स वो सारी चीजें हम नहीं कर रहे हैं, हम सीधे हाथ से, क्योंकि ये खाने की चीज है, इसमें कोई डर की बात नहीं है, बस ये है कि हाँ थोड़ा उड़ेगा तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, राइट, दिस इज द शेड दैट आई एम ट्राइंग टू रीच, सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, एंड बहुत अच्छी खुशबू हम बना रहे हैं। हमारे पास हल्दी है, इस टाइम हमारे सामने ही है, इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है हल्दी की, इट रियली फील्स नाइस।
if you want, then you can add a few drops of itr, you know, to the gulal. Not too much, just a few drops, so that uska usme khushboo bhi aa jaye. That's it. अच्छा, इसी को अगर आप थोड़ा हल्का फर्क लगाते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, अगर आप हल्दी को आधा चम्मच पानी, बिल्कुल मतलब बहुत ही कम, हल्का सा पेस्ट बना के उसको आप माइक्रोवेव करिए आधा घंटे के लिए, गर्म करिए और तब उसको मिलाएं, तो भी उसका रंग अच्छा आता है. तो खास फर्क नहीं आता है, लेकिन यस इट्स अ बिट येलोअर, आप देख सकते हैं ये वाला जो है, ठीक है ना, इट्स अ लिटिल मोर येलोअर. That's it. और इसको क्योंकि ये हमने बेसन में नहीं मिलाया है, वो हमने अरारोट में बनाया है, तो इसलिए उसका शेड ऑफ येलो इज लिटिल डिफरेंट. हर चीज में थोड़ा थोड़ा फर्क आता चला जाए. और फिर इसको अगर इसमें लग रहा है कि गांठे हैं या कुछ भी है, तो इस्तेमाल करने से पहले इसको थोड़ा छान लेना है. गंदगी जरूर हो रही है यहाँ टेबल पे, बट इट्स ग्रेट फन. इसमें एक्चुअली में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये बेसन था तो कुछ भी नहीं इसमें बचा है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पाउडरी एंड क्लियर आ गई. ये राइट, तो ये हुआ हमारा अलग. अब यही चीज अगर हम इसमें हम थोड़ा ही कम ही लेंगे, वो मेहंदी को भी इस तरह से भी बना सकते हैं. और अगर ब्राउनिश चाहिए आपको, तो इसको मेहंदी को थोड़ा घोल के हम इतने ना उसका चुकंदर का जो है, यहाँ पे घिसने की जगह हम बोल देते हैं कि वो घिस के ले आए, तो आपको वो गीले वाला भी दिखा देते हैं, और बारीक तरफ से मोटी तरफ से जहां से भी घिसना है आप घिस लीजिए उसको, और उसका पानी चुकंदर का रंग पानी जो भी आप बोलना चाहें वो निकाल. बन्ना जी, आई हैव अ क्वेश्चन. बोलिए. ये जो मेहंदी आपने डाली, अगर हम ये गुलाल लगाएंगे तो कई दिन तक रंग रहेगा लोगों के ऊपर, जब तक मेहंदी का रंग? दैट्स द होल आइडिया होली. अरे इमेजिन कि सर के ऊपर डालो और उसके बाद वो बह के उनके चेहरे पे रहे. बट एक्चुअली यू नो इतना मेहंदी इतनी जल्दी रंग थोड़ी लाती है. मेहंदी तो रंग लाती है जब आप यू नो उसको सुखाते हैं, करते हैं, गर्माहट से आती है तब रंग लाती है. तो इतना रंग नहीं लाती है कि वो नो ये सूखा गुलाल मुंह पे है उसके बाद कोई धो लेगा तो सब उतर जाएगा, राइट? अच्छा, ये देखिए इसका कलर ऐसा आता है, जितना हम ज्यादा डालते जाएंगे इसी तरह का सा रंग आएगा, बहुत ज्यादा फर्क रंग नहीं आएगा. बट इफ यू हीट इट, मतलब अगर इसको मेहंदी को जरा से पानी में डाल के माइक्रोवेव कर लो, उबाल लो, जो कुछ भी करो, एंड देन यू मिक्स इट, देन यू गेट अ डार्क अ लिटिल ब्राउनर, दैट्स ऑल. वो ग्रीन नहीं आएगा, ऐसा ही रंग आएगा. और अगर आप बिल्कुल ही ताजे हल्दी के पत्ते, सॉरी मेहंदी के पत्ते लेके, झाड़ी से लेके पत्ते पीस के जैसे ट्रेडिशनली मेहंदी लगाते थे वो करेंगे, देन यू गेट अ प्रोबेबली यू गेट अ नाइसर रेडर शेड. वो तो हमें मिले ही नहीं कहीं पत्ते. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आई डिडंट रिमेम्बर, आप लोगों ने सबने देखे होंगे पलाश के फूल. आई डिस्कवर्ड अपनी सुबह की वॉक पे, पलाश के फूल लाना थोड़े कि अभी यहाँ पे पलाश के का भी पेड़ है यहाँ 26 सेक्टर में हमारे, तो उसके पलाश के फूल आजकल गिर रहे हैं. एंड हमेशा पलाश का फूल, पलाश इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इन इंग्लिश, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड टेसू, टेसु बोलते थे. तो टेसु के फूलों को उबाला जाता था, मतलब एक बड़े से कढ़ाई में या भगोने में रख देते थे, उबाला जाता था, तो वो बहुत ही लाइट येलो कलर देता है और बहुत बढ़िया खुशबू होती है उसको. तो
तो उसकी तो उससे खेला जा उससे खेली जाती थी होली। तो जब आप सफेद सफेद कपड़े पहन के निकलते थे और फिर वो गरम गरम गुनगुना गुनगुना टेसू आपके ऊपर वो पानी डाला जाता था, तो इट यूज टू गिव अ लवली खुशबू। एंड देन टेसू के वो जो पत्ते जो सॉरी फूल के जो रह जाते थे, बाद में वही आंगन पे पता चला वही फूल पड़े होते थे, उन्हीं को रगड़ रगड़ के आप अपने जो रंग लगा होता है तो उतारते थे। सो इट्स एंटीसेप्टिक, इट हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। आई एम श्योर सम ऑफ यू रिमेम्बर दैट इन योर चाइल्डहुड कि वो आंगन में वही गुनगुने टेसू के पानी से खेली जाती थी होली। और उससे ओके नाउ ये देखिए, मेरे को तो लगा था कि जैसे पता नहीं क्या हमको कायनात की क्या चीज मिल गई है, ये है नहीं कीड़े हैं इसमें, ये टेसू के फूल, ये है बिल्कुल हमारे घर के पास पार्क के पास ये लगा हुआ है ये पेड़, मतलब ये रोज सवेरे गिरे रहते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कलेक्टिंग दीज एवरी मॉर्निंग एंड आई एम ड्राइंग देम इन द शेड, दैट्स व्हाट यू कैन डू, एंड देन यू कैन यू नो पाउडर देम एंड कीप देम, एंड फिर पता नहीं क्या करेंगे, मतलब ये तो अभी तो सिर्फ तैयारी हो रही है ये सारी। अच्छा ये रहा चुकंदर और ये रहा चुकंदर का कस, राइट, हम होते हैं हाथ नहीं गंदे करेंगे इसमें, और इसका आप जरा दबा के ये हमने अरनोट ले लिया है इसमें। अब हम ये देखिए निकालो, ये देखिए ठीक है, हम तो डायरेक्टली इसमें डाल रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं कि रंग अलग से, मतलब ये अलग से ही उसका रस निकाल लेते हैं और फिर इसको अपने हिसाब से मिलाते चले जाते हैं। और ये देखिए ये ऐसे फीलिंग देता है कि जैसे एकदम चिकट सा हो जाएगा बट इट कम्स आउट क्वाइट नाइस। और फिर थोड़ी देर इसको ड्राई करके थाली में फैला के हमने तो इसको धूप में मतलब छाया में छोड़ दिया था, इसको फिर छान लिया था। और ये हमने बोल में किया, अगर थाली में करते ना तो इसको और ऐसे करके रगड़ के गंदगी होगी, इसलिए हम ऐसे नहीं करते। ये देखिए जितना आप इसको रगड़ेंगे ना तो सब इवनली मिल जाएगा एंड यू कैन सी द नाइस पिंक कलर डेवलपिंग, राइट। और एंड में ये फिर वैसे ही छान के, अभी तो थोड़ा गीला है, अब इसके आप कितने ही सारे शेड बना सकते हैं, लाइट पिंक डार्क पिंक, इनफैक्ट आई हैवंट ट्राइड, प्रोबेबली अगर इसमें येलो मिला दें तो डिफरेंट शेड हो जाएगा, आई विल ट्राई जस्ट नाउ, आई एम नॉट डूइंग इट एनी फर्दर, यू गॉट द आइडिया। मैं अभी छाने नहीं दूंगी इसको, ऐसे अभी जरा ये सूख जाए ऐसे, तो क्या मुझे ट्राई कि यहाँ पे येलो ले लो, see can you see it's a peachy shade, see the pink and the yellow mixed together gives you a slightly peach kind of a shade or whatever you want to call it, ye dekhiye okay, so that is the way to go about it, ki liquid se kar sakte hain, dry se kar sakte hain, is tarah se aapke rang ban sakte hain, that is it। Now any questions now, so this was the गुलाबी वाला गुलाल जो हमने बनाया एंड दिस इज द पीला वाला एंड और काला वाला बोल, उसमें हम अपना ये वाला, ये हमारा मेहंदी वाला, यू सी दैट, ये रहे हमारे गुलाब। एंड आई डिडंट गेट दैट, आई डोंट नो मे बी इट्स नॉट कंसिडर्ड अच्छा ऑल्सो आजकल, पहले हम लोग अबरक डालते थे, अबरक यूज टू बी यू नो चमकी चमकी सा होता था, वो गुलाल में मिलके आता था, जब आप मुंह पे लगाते थे तो वो माइका या क्या ऐसे होता है, तो वो फिर वो चमक चमक जब मुंह पे लगता था तो मुंह से ऐसे ऐसे लगता था कि जगमगाहट आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। आई एम श्योर नाउ इट्स कंसिडर्ड नॉट गुड फॉर द स्किन एक्सेट्रा, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट चाइल्डहुड मेमोरीज, दैट्स इट, राइट। एनी अदर क्वेश्चंस एनीबॉडी, मेरे को बता, मेरे को पूछना है, सॉरी उसको माइक्रो माइक्रो कितना देर उसको माइक्रो कुक करें, हल्दी को जरा सी देर 10 seconds, सी द थिंग इज कि अगर आप ज्यादा देर करेंगे तो वो सूख जाएगा, और आप हाँ हाँ एग्जैक्टली नहीं सकते, ज्यादा पानी डालेंगे तो इतना लिक्विडी हो जाएगा कि संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमने जितना डाला है जैसे पेस्ट बने और जरा संभाल,
माइक्रोवेव कर लीजिए एंड वो भी ट्राई करने के लिए जरा सा करके देखिए, अगर आपको रंग वो ज्यादा बेहतर लग रहा है तब आप करिए, अदरवाइज सूखा ही डाल सकते हैं, दैट राइट। सो इट्स ऑल हर्बल टाइप, जैसे हम लोग आजकल गुलाब खोलते हैं ना कि हर्बल गुलाब, अजीब सा अरोमा आता है, वो फील बड़ी अच्छी होती है, तो वो अरोमा किस चीज के लिए, लिक्विड डालते हैं या पाउडर फॉर्म में? नहीं, जो अरोमा मतलब खुशबू जो है वही हम कह रहे हैं, आप इत्र डाल सकते हैं, लाइक इत्र स्ट्रांग होता है तो आपके पास इत्र है वो डाल दीजिए, गुलाब जल डाल लीजिए, लेकिन गुलाब जल की खुशबू इतनी स्ट्रांग नहीं होती है राइट, लेकिन अगर आप ज्यादा डालेंगे तो वो लिक्विड लिक्विड हो जाएगा। तो जिस भी चीज की खुशबू तेज होती है वो इत्र की ही होती है। अब इत्र भी आप असली वाला इत्र लेंगे कि आप यू नो जो ऐसे ही मिलता है इत्र लेंगे, तो उससे फर्क पड़ जाएगा कि खुशबू कैसी होगी उसकी राइट। बट इट फील्स जैसे पहले तो वो उसमें क्या बोलते हैं ये इलायची और ये सब चीजों के भी पहले तो पीस के ही डालते थे, अब तो उसकी ड्रॉप्स भी आती हैं, अगर एक ड्रॉप डालेंगे खाने। अच्छा, दी अदर थिंग, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज जस्ट बाय यूजिंग फूड कलर्स। आप लीजिए अपना ये अरारोट पाउडर लीजिए, उसमें 4-6 ड्रॉप या एक चम्मच कोई भी फूड कलर का डालिए तो आपका वो बन जाएगा रंग, राइट। दैट इज नॉट रियली ऑर्गेनिक इन दैट सेंस कि आपने उससे चीज से बनाया है, बट फूड कलर है तो कोई भी नुकसान नहीं करेगा राइट। तो फूड और वो तो आपको पर्पल एंड सारे दुनिया जहान के रंग मिल जाएंगे आपको, तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। स्पेशली अगर रंगोली वगैरह बनानी है तो अगर सूजी में अगर आप रंग मिलाएंगे तो वो बहुत अच्छा फ्लो करता है, सूजी क्योंकि मोटी होती है तो वो रंगोली बनाने के लिए बहुत आसान होती है। सो यू कैन डू दैट आल्सो। थैंक यू वेरी मच। एक जगह हमने पढ़ा था छोटे बच्चों के लिए कि अगर छोटे बच्चों के लिए आपको यू नो ये कलर्स टू प्ले विद करना है तो उन्होंने दही में घोल दिए थे कि घर में दही जमाई और उसमें फूड कलर या ये कर दिया था। सो इट वॉज समथिंग, वो कितना भी लगाए करें कोई नुकसान नहीं करता, फेस पेंट कर लें, कुछ भी कर लें। आई मीन इट्स अ वर्जन ऑफ दिस यू नो, नॉट जस्ट फॉर होली बट फॉर एनीथिंग। और बताइए और पूछिए। Anybody has any more questions? I think वन्ना जी ने इतना अच्छी तरह से explain किया है कि मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई सवाल पूछना है अभी। But main चीज ये है कि आप बनाएंगे तो please please जरूर से तस्वीर खींच के भेजिएगा, और बना के अगर लगाएंगे तब तो शर्तिया तस्वीर खींच के भेजिएगा कि वो कैसा लगा। और सृजना कह रही, जो कह रही थी वो जरूर ट्राई कीजिएगा कि ये वाला बनाइएगा, सर पे डालिएगा ढेर सारा और फिर एक बाल्टी पानी डाल और जब वो गिरेगा उसका वीडियो खींच के जरूर से भेजिएगा। बट इट वॉज ग्रेट फन, आई रियली एंजॉय माई सेल्फ एंड आई मस्ट टेल यू कि देवदीति ने ये दोबारा आके हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी बहुत बड़ी जर्नी है जिसका ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक पार्ट है कि जहाँ शुरू हुए थे वहीं पे कितना एक साल हो गया होगा सजना, लास्ट कब हुआ था? मार्च अप्रैल में हुआ था, आई कांट रिमेम्बर द डेट, अप्रैल में हुआ था। तो सोचिए एक साल में दुनिया कहाँ से कहाँ हो गई है, लेकिन कई चीजें हैं जो अपनी जगह पे करीने से चलती रहती है। सो इट्स इट वाज रियली ग्रेट फन। सो विद दैट, सिंस हमारे ऑडियंस के पास कोई क्वेश्चंस नहीं है, आई थिंक वंदना जी ने इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है सारा हमको, और मैं एक ही बाजार में ये रेडीमेड ये मिलते हैं फेविकोल के, जिससे कि हम क्ले बनाने, आई वाज वंडरिंग फ्रॉम वेयर टू गेट द क्ले। आसान है, सी I don't know about you know actually ये किस चीज के बनते हैं, but as craft it's very easy, so it is so much fun to make different kinds of things with this and मतलब जितनी आपकी creativity है वो आप सब इससे बना सकते हैं, और 10-15 मिनट में मतलब आपको वक्त मिलता है काम करने। I'll teach my grandchildren. Neeti ji has a question, I think. Neeti ji. No question. No question. ठीक है. बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आ गया सब कुछ। देखिए कितना बनाता आते हैं। अब सब लोग बनाएंगे और फोटो भेजेंगे और आई विल फॉरवर्ड द फोटो। बल्कि मेरे को तो बड़ा अच्छा आइडिया आ रहा है, दिए भी बन सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी बन सकता है, लगा दो कुछ भी।
अपने हाथ से। सॉरी एक चीज जो हम हमेशा भूल जाते हैं, सृजना विल यू पुट माय सी हमारा क्या बोलते हैं फेसबुक पेज इज बैंडी वर्क्स, बैंडी फ्रॉम बंदना बैंडी वर्क्स, और इंस्टाग्राम का भी है जो लोग इंस्टाग्राम पे, तो सृजना यहीं पे लिख देगी उसमें कमेंट। तो अगर आप लोग फोटो खींचेंगे तो प्लीज जरूर डालिएगा। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी वर्कशॉप्स हम करते रहते हैं अलग अलग चीजों की, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज जरूर से आप हमको मैसेज भेज दीजिएगा, तो हम उसमें जोड़ देंगे आपको कि जिसे पता चले कि आपको की वर्कशॉप्स जो हो रहे हैं। जैसे अभी हम पेपर की जैसे वो कर रहे थे, हैंडमेड पेपर बनाने की कर रहे थे, अभी आजकल हम सीख रहे हैं कि रंगों से कपड़ा कैसे रंगा जाता है, यू नो फूलों के रंगों से, तो अभी हमने इसके गेंदे के फूल से रंग के दुपट्टा वगैरह बनाया, तो अभी सीख रहे हैं, जब सीख जाएंगे तब सिखाने लायक हो जाएंगे। तो बहुत मजा आता है नई नई चीजें यू नो बनाने में करने में। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही थी, बंदना वाज माय टीचर, अ टीचर विल ऑलवेज रिमेन अ टीचर व्हाटएवर मे हैपन व्हिचएवर फील्ड शी गोस टू। इतना ट्रांसपेरेंट कोई नहीं होता, शी इज सेइंग कि अभी हम सीख रहे हैं गेंदे को, ऐसा ट्रांसपेरेंट कोई नहीं होता। मेरी बहू की बहू नूतन तो मैं बता रही हूँ, मेरी बहू की मामी है ये, मेरी समधन। अरे अरे वाह, फर्स्ट टाइम समधन मिल गई, वेरी नाइस वेरी नाइस, समधन मिल गई। वी ऑल नो इफ वंदना एनीवेयर, हमने पारुल जी की बहू रानी को पकड़ लेना है और हमें कह रहे हैं भाई अपनी मामी से मिलवा दो, हमें नहीं पता है। पेपर क्राफ्ट किया था मुझे, आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और हमने बास्केट वगैरह बनाई। मेरी तो मेमोरीज उसकी बहुत डरावनी, मेरे को लगा था बाप रे ये गिर रहा है वो गिर रहा है। नहीं नहीं बहुत अच्छा बना, थैंक यू सजना पूरा ये सब इनको ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वंदना जी। यस थैंक वंदना, इट वाज ग्रेट सेशन विद दिस। आई विल फ्रॉम देवदीप्ति फाउंडेशन आई विल आल्सो थैंक वंदना जी, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस सच नाइस थिंग्स, एंड विद दैट वी विल एंड दिस सेशन। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू टुमारो हमारा स्वाध्याय सेशन है, जो अटेंड करना चाहे प्लीज मोस्ट वेलकम, हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं उसके अंदर, तो स्वाध्याय करके आइएगा अपना, तभी मजा आएगा उसके अंदर। एंड विद दैट आई एंड टुडेस सेशन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।